एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात से। अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कारण ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। मेरी फ्रेंड है, पास में ही रहती है, बस एक दो फ्लैट छोड़ के ही उसका घर है, तो वो डिनर पर इन्वाइट करी है। और तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं डिनर करने। क्या है वो जाके ही आप लोग को दिखाऊंगी वहाँ पर कि डिनर में क्या है। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। और आप लोग सोचो कि 9 बजे इतना लेट, तो 9 कुछ नहीं है मुंबई का, 9 तो सोचो 7-8 बज रहे होंगे। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। ये ब्लैक वाला कुर्ती पहनी हूँ, ये दुपट्टा ले ली हूँ, बस मैं रेडी हूँ। ध्रुव और मनोज जी भी रेडी हैं। बस चिंकी हो रही है क्योंकि चिंकी अभी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बोली चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, बगल में ही जाना है। तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। अभी ये वाला सूट है मेरा, सूट नहीं कुर्ती है, तो ये पहन के। और आगे का वीडियो मैं वहां शूट करूंगी अपने फ्रेंड के साथ। और फ्रेंड से आप लोग बहुत बार मिल चुके हैं, अभी भाई दूज के वीडियो में भी वो थी, तो उससे आप लोग मिल चुके हो, लेकिन फिर से मैं आप लोग को मिलवाऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ और डिनर में क्या क्या है वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्वीट शॉप से कुछ मिठाइयाँ लेकर हम लोग निकल पड़े हैं। हम ध्रुव, चिंकी और उसके डैडी पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि बताया था ना एकदम पास में ही है घर, तो हम लोग वही चल के जा रहे हैं। और ये ब्लॉग आज मुझे डालना था, इसके लिए मैंने अमित का रिसेप्शन का जो वीडियो है वो मैं आज नहीं डाल पाई, वो 2 दिन के बाद मैं वापस से डालूँगी अमित का रिसेप्शन का वीडियो, तो आप लोग मिस मत करिएगा। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए फ्रेंड का बेटा है, बाहर ही खड़ा होकर हम लोग को सैनिटाइज कर रहा है, हाथ को भी पूरा बॉडी को भी उसने सैनिटाइज किया अच्छे से कि चलो पहले आप लोगों को सैनिटाइज कर दो। हमने हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से करो, तो उसने पूरा सैनिटाइज किया। उसके बाद हम लोग आ गए अंदर घर के अंदर। इतना ऊपर घर रखी है, फोर्थ फ्लोर पे मिली हो ना प्रेरणा, मैं बोली थी ना मिलवाऊंगी। आयो इसलिए चढ़वाती हूँ कि अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाए। हाँ बहुत मोटे हो गए, आजकल बाहर जाना आना तो होता ही है। देखो छोटू प्यारू, आयो और शिशी कहाँ है? मतलब अच्छा अभी आएंगे आएंगे उधर भी आएंगे। आ गई ब्यूटी क्वीन, कहाँ है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सृष्टि कुछ बोलो, कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? शादी करा के आई है भाई का, स्वीट्स वगैरह लेके हमारे लिए, लेकिन गिफ्ट बहुत सारा मिला है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई है।
लाए है ना, वो घर पे आओगे तब देंगे गिफ्ट। गिफ्ट लेके थोड़ी ना आऊंगी, गिफ्ट लेने बहाने आएगी तो सुना रही थी बहुत सारा गिफ्ट मिला पर लाए कुछ नहीं है, घर जाके देना पड़ेगा। वो लेने के लिए तो घर आना पड़ेगा ना, है कि नहीं? चलो देखिए ये है मिश्रा जी, आइए प्रेरणा जी पास में आइए बैठिए, मिस्टर एंड मिसेस आ ही जाइए। जय मिश्रा जी, हाय बोलिए, हाय तो बोल दीजिए कैमरा की तरफ, हाय। और हम लोग आज देखिए इधर मुंह बंद करके बैठे हुए लोग, और ये देखिए रंजन जी ये तो मुंह खोल लिए हैं खाने के लिए एकदम तैयार है। ये क्या है स्पेशल फिश, अब ये फ्राई होना है, कढ़ाई चढ़ चुका है, क्या क्या डाली हुई इसमें? अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाली हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट। मस्त दिख रहा है, कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अब खाने में कैसा? नमक डाली हो ना? पूछना था नमक खाना है कि नहीं तुम लोग? विदाउट नमक इसका ग्रेवी भी रेडी है, ग्रेवी फिश रेडी है, वाओ यम्मी। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग को फ्राई खाना है, फ्राई वाला आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा रखी हूँ फ्राई के लिए। अभी हमको फ्राई खाना है, तो चलिए मैम डालिए, तेल गर्म हो चुका, कितने उड़ेंगे ना? एक्चुअली फिश मुझे बहुत पसंद है, इनको भी पता है, बट मैं बनाती नहीं हूँ। खाना पसंद है बहुत, तो ये जब भी बनाती है तो मुझे जरूर खिलाती है। और मेरे लिए इतने दिन से रुकी हुई थी ना, हाँ। मैं पटना गई थी, आई कुछ दिन हो गया, चलो खाते हैं फिश। मैं कल ही इनको बोली थी बनाना है, तो ये सुबह बोली और शाम को ये फिश लेके आया, ये वाला। तो फिर मैं कौन सा फिश है ये? ये कुछ इसका नाम उनको बताऊंगा, ये अलग फिश है। अच्छा, तो और ये अलग फिश है जो ग्रेवी में बनाई हूँ, वो कतला है। लेकिन एक बात है मिश्रा जी, फिश बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत आइडिया है, बहुत ज्यादा कौन सा फिश अच्छा होता है, कौन सा में कांटा कम होता है। हाँ, इसमें कांटा कम होता है इसलिए इसको फ्राई किया है। हाँ, और मुझे खाने भी नहीं आता है ठीक से, लेकिन खा लेती हूँ, कांटा में डर लगता है, तभी तो खाना ही है। इनको खाने इसलिए नहीं आता है क्योंकि इनके हस्बैंड अच्छे से कांटा निकाल के खिला देते हैं बच्चों को, भी आ जाएगा तो खाने निकाल के देगा। हाँ, वही तो सही बात है, सही बात है, अपने से खाने लगे तो खाने लगी ना, खाओ खुद से। चलिए फिश फ्राई हो रहा है, उसके बाद हम लोग खाएंगे यम्मी यम्मी फिश। चिक्कू भी आ चुकी है, चिक्की के भी मुंह में पानी आ रहा है ना फिश देख के, वो भी आंटी के हाथ का, बहुत अच्छा बनाती है फिश, सब खाना अच्छा बनाती है, लेकिन फिश बुझा दे। नहीं 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 मुझसे मैं नहीं, ये बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ देखिए फिश फ्राई होके आ चुका, एकदम बोनलेस फिश है ये, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बना था। और इसके बाद फिश करी तो आप लोगों ने देखा, राइस और सैलेड खाया हम लोगों ने, बहुत टेस्टी बनाई थी। और नौ बजने के बाद तो हम लोग गए ही थे, आने में 12 से ज़्यादा हो गया था। और पता है सबसे सरप्राइज क्या रहा, ध्रुव का बर्थडे है 11th को, आज 9th है, तो इन लोगों ने सरप्राइज बर्थडे केक का भी प्लान किया था, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था, वो सरप्राइज रहा हम लोग के लिए। तो ये देखिए ध्रुव का बर्थडे भी वहाँ मना, अरे राज यहाँ ध्रुव का बर्थडे भी मन रहा है, देखिए ध्रुव का, जबकि 11 को है बर्थडे, और यहाँ अंकल आंटी लोगों ने लिए ध्रुव के लिए लाइव स्ट्रीम, नहीं वैसे मनेगा 11 को भी ध्रुव का बर्थडे होगा, लाइव स्ट्रीम चालू की, सॉरी आंटी लाइव स्ट्रीम, लाइव नहीं बेटा लाइव स्ट्रीम। हाँ ये देखिए आयुष डांस करो, ये बर्थडे बॉय आ जाइए, एक दिन पहले ही केक कटिए, केक कट करिए, खड़े होइए, रोज बर्थडे मनाएंगे हम लोग।
बर्थडे का तो सच में बहुत बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ रहा हम लोग के लिए। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब आज ये लोग बर्थडे मनाएंगे। और लेट नाइट तो हम लोग गए थे, नौ से ज़्यादा तो हो ही चुका था। और फिर खाते पीते फिर गप सप करते 12 तो बज गया था, किसी को हड़बड़ी थी नहीं, तो पास में ही रहते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो 12 बजा तो सडनली केक आया, ध्रुव का बर्थडे मना रहे हैं आज, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और को खिलाओ केक। आयु ध्रुव भैया को केक खिलाइए। आपको नहीं खाना। क्यों? केक का पीस ही नहीं निकला। ध्रुव आपकी बात नहीं, हाथ चाट लो चाट लो। मुँह में केक लगाए, केक नहीं खिलाता है किसी को। हाँ अच्छी बात है। आयुष को सोचा था तुम, ये लगाया नहीं मुँह में। चलो सब चिंकी सृष्टि सब उसको खिलाओ। थैंक यू बोलो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बर्थडे में लगता है। मुँह में खिला रही है। खिलाओ। ध्रुव खिला रही है, मुँह में नहीं लगा रही। आंटी खिला रही है। ये तो हो चुका हम लोग का डिनर, और ध्रुव का बर्थडे भी सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी हो गया। सच में एकदम हम लोग के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं था कि ध्रुव का बर्थडे भी वो लोग प्लान करे हुए हैं कि आज यहाँ पर 12 बजे के बाद हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे ये 9 तारीख का है और ध्रुव का बर्थडे 11 को है, लेकिन एकदम सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश हो गए, चारों बच्चे बहुत खुश हो गए। वो भी ध्रुव का फेवरेट केक मिला, चॉकलेट केक, तो सब लोग तो बहुत खुश हो गए। तो ये था हम लोग का सरप्राइज आज फ्रेंड ने दिया। और यहीं तक है आज का वीडियो, आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।